I want to reach 1 million likes. So please गाइस आई होप इट आफ्टर डिफाइंड लाइफ। सो आज एक और मैं व्लॉग लेके आ गया हूँ। ये भी स्पेशल व्लॉग है क्योंकि हमारे पास आज स्पेशल बाइक आई भी है, विच इज़ दी कावासाकी ZX14R। ये जो बाइक है ये 400cc के सेक्शन में आती थी, बट अभी ये कावासाकी ने डिसकंटिन्यू कर दी गई है। अब ये बहुत डेयरस बाइक है, बहुत कमी से देखने को मिलती है। आज हम इसी के बारे में सारी डिटेल जानेंगे, एक एक चीज़ बताएंगे, राइडिंग एक्सपीरियंस और पिकअप कैसा है, क्या इसमें मतलब अच्छी चीज़ है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स हैं, आज हम सारी बातें इसके बारे में जानेंगे। और हमारे साथ है आज सिमरन भाई। और सिमरन जी, क्या हाल जी? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और क्या हो रहा है आज? बस काम चल रहा है। काम चल रहा है, ऑफिस का काम। ऑफिस का क्या करना है? सही बात है यार, ऑफिस का ब्लॉगिंग कभी कभी कर लेते हैं। बाजी के साथ? अरे हम तो छोटे हैं भाई, क्या करोगे यार। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, आएंगे जल्दी, आएंगे जल्दी। चलिए, आने वाले कुछ दिनों में, थोड़ी देर मिलते हैं सम्राजी, इतने में बाइक का फ्री पर क्या। ठीक है, चलिए अब हम पहले बाइक का सारी डिटेल वगैरह जानते हैं। सो फाइनली आपके सामने बाइक है ये, इट इज़ दी कावासाकी निंजा, और ये वेरियंट है ZX14R। और देखने में ये बाइक काफ़ी बल्की है, और कह सकते हैं कि आई कैची बाइक कह सकते हैं इसको। और अगर मैं इसकी पूरी डिटेल की बात करूं तो आपको एक ग्रीन कलर में अवेलेबल है, और यहाँ पर छोटी छोटी आपके पास ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स आ रही हैं, और यू कैन सी दैट बहुत बढ़िया लुक दे रही है इसको। और फ्रंट से ये कुछ इस तरीके की नज़र आती है, ये ग्लॉसी ग्रीन कलर में है तो काफ़ी बढ़िया लुक दे रही है। इसके मिरर्स एडजस्टेबल हैं और काफ़ी बढ़िया फिनिश में है, आप ये देख सकते हैं। सेम टू सेम ये भी, अभी थोड़ी गंदी हो रही है तो आप बॉदर मत करना, भी बहुत दिन से कावासाकी में खड़ी भी थी। अब मैं इसके राइडिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो ज़्यादा ना तो एग्रेसिव है और ना ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि प्रो कंफर्टेबल है। ये एक तरह से स्पोर्ट्स प्लस टूरर दोनों में काउंट हो सकती है। अब मैं अगर इसकी एग्जॉस्ट की बात करूँ, इसके अंदर आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, ओरिजिनल 2 पायलट और सिल्वर सीरीज़ के लगे हुए हैं, फुल सिस्टम है, और जो इसकी वॉइस है बहुत बढ़िया आती है। यहाँ पर अगर इसके फ्रेम स्लाइडर्स लगे हुए आते हैं, और इसमें आपके पास ओरिजिनल कह सकते हैं ये लीवर्स हैं कावासाकी के। और इसके अगर मैं मीटर की बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया इसका बल्की मीटर है। हेयर इज द मीटर, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर इसका स्पीडोमीटर है, ये आपका इसका RPM मीटर है, और ये छोटी सी डिस्प्ले आपको सारी डिटेल बताती है, गियर शिफ्ट वाला, और ये जो और भी छोटे छोटे आपके पास यहाँ पे कंपोनेंट्स गिवन है। अब मैं इसको की ऑन कर, ये देखिए ये कितना प्यारा बल्कि लुक दे रही है। और यहाँ पे सबसे पहले कावासाकी का जो Z14R का लोगो है वो बन के आता है, फिर एवरेज आपको दिखा रही है, बाइक टेम्परेचर दिखा रहा है, ट्रिप कौन सा है, और पेट्रोल पावर कौन से पे करनी है, और ट्रैक्शन कंट्रोल कौन सा है, कितने किलोमीटर चली हुई है, फ्यूल गेज, ये सब चीज़ें दिखा रही है। और काफ़ी बढ़िया बाइक है, और कह सकते हैं कि आई कैची बाइक तो है ही है। और पीछे से लोग ये दिखाऊँ आपका मैं, तो आपके पास ये वी शेप की लाइट्स, सॉरी क्रॉस में लाइट्स आ रही हैं, ये दो इंडिकेटर हैं। पीछे से भी ये काफ़ी बल्कि बाइक नज़र आ रही है, और टायर भी काफ़ी बड़ा है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। और ये वाली बाइक जो है एक अवेलेबल है कावासाकी पे, अगर आपको परचेज़ करनी हो या कुछ भी करना हो, विजिट टू आर शोरूम कावासाकी वेस्ट दिल्ली नारायणा में, और आइए आप इस बाइक को राइड करिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, अगर पसंद आए तो ड्राइव बैक टू योर होम। अब रही इसकी एग्जॉस्ट साउंड की बात, अब मैं थोड़ा सा पहले आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ। ये मैंने की ऑन करी, कुल स्विच ऑफ और चल दिया, आई होप कि आपको इसकी जो वॉइस है, मीठी मीठी है वॉइस, आपको अच्छी लगी होगी। अगर वॉइस अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, नए हो तो प्लीज़ फॉलो कर लेना। अपनी जो आइडियाज़ हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना कि ये बाइक वर्थ है या नहीं है। सो एज ऑलवेज शुक्रान, अलविदा, मसलमा, टेक केयर एंड डू व्हाट यू वांट टू डू माय लवली फ्रेंड्स, लेट्स मीट इन अनदर ब्लॉग।